अगर आप कंफ्यूज हैं कि लैपटॉप खरीदा जाए या डेस्कटॉप खरीदा जाए तो ये वीडियो आपके लिए जरूर होने वाला है, क्योंकि मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ और आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए लैपटॉप अच्छा है कि डेस्कटॉप अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जोगिंदर ज्ञान में आप सब लोग का स्वागत है। अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, कोई भी नया वीडियो बनेगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम करिए, अपने आप से पूछिए आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप लैपटॉप या तो डेस्कटॉप लेने जा रहे हैं। अगर सवाल आपने पूछ लिया है तो चलिए दोस्तों बताता हूँ आपको क्या लेना चाहिए। देखिए दो तरीके का काम होता है, एक होता है लैपटॉप, उसको हम सब जानते हैं कि ये पोर्टेबल होता है, इसमें बैटरी लगा होता है और इजी टू कैरी होता है। वहीं डेस्कटॉप दूसरी साइड होता है, इसमें बैटरी नहीं लगा होता है, इजी टू कैरी नहीं होता है, ये पोर्टेबल नहीं होता है। तो दोनों में मेन अंतर है। लेकिन आपको अगर डेस्कटॉप लेना, आपको कंप्यूटर लैपटॉप लेना है, किस पर्पस ले रहे हैं, अगर आप घर के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा छोटे बच्चों के लिए डेस्कटॉप लीजिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को टेक्निकल चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है, छोटे बच्चे हमेशा मिसयूज करते हैं, उसके वजह से हमेशा जो है खराबियां आती रहे दोस्तों। वारंटी में तो ठीक है, आप लेके जाएंगे सर्विस सेंटर के अंदर रिपेयर करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वारंटी खत्म हो जाएगा तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जो लैपटॉप होता है, ये छोटे बच्चे अगर घर के अंदर हैं, यूज करते हैं, जिनको जानकारी कम है, तो वह लैपटॉप के अंदर अक्सर खराबी आती रहती है और कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग करने में महंगा होता है। वारंटी पीरियड में तो आप फ्री में रिपेयर करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है आपको महंगा खर्चा पड़ेगा। तो घर के पर्पस के ले रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन पहले रहेगा कि आप जो है डेस्कटॉप प्रिफर करिए दोस्तों। सेकंड में बात करता हूँ कॉस्ट की। अगर आपका बजट एक लिमिट तक है, अगर आप उस पैसे में देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो फीचर आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा वो फीचर आपको लैपटॉप में नहीं मिल जाएगा। मतलब प्राइस वाइज जो है आपको ज्यादा फीचर मिल जाएगा डेस्कटॉप के अंदर ना कि कंपेरिजन टू लैपटॉप के अंदर। थर्ड नंबर बात करता हूँ अपग्रेडेशन की। देखिए कंप्यूटर ऐसी चीज है, क्षेत्र है, इसमें दिन प्रतिदिन अपग्रेडेशन आता रहता है। अगर आपने रैम ले लिया 4 GB का, आपने रैम हार्ड डिस्क ले लिया 1 TB का, मदरबोर्ड किस कंपनी का ले लिया है उसे ले लिया है, तो आप डेस्कटॉप के अंदर इजी अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन वही लैपटॉप के अंदर एक सीमित तक जो है, एक लिमिटेड तक जो है अपग्रेडेशन करा सकते हैं, उसके बाद जो है वो लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपने लैपटॉप का साइज अगर 14 इंच का ले लिया है तो आप उसको बाद में 17 इंच नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने डेस्कटॉप के अंदर जो है 14 इंच का मॉनिटर लिया हुआ तो बाद में उसको जो है आप 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते, 24 कर सकते हैं और इजी अपग्रेडेबल होता है। और डब्बा इसके अंदर होता है तो 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB हार्ड डिस्क, 1 TB, 2 TB, 4 GB और उसके बाद 4 TB सॉरी, और स्क्रीन साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो घर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका काम बाहर का नहीं है और आप घर पे काम करते हैं तो आप डेस्कटॉप प्रेफर करिएगा। थर्ड नंबर बात करता हूँ सेल्स आफ्टर सर्विस की। देखिए वो लैपटॉप के अंदर जो अगर मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप को रिपेयरिंग कराते हैं तो उसमें जो है खर्चा ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कि कस्टमर से जो है दुकानदार रिपेयरिंग करने वाले ज्यादा पैसा ले लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को उनके बारे में जानकारी कम होती है। देखिए जब तक वारंटी में सामान होता है लगभग 1 साल वारंटी सब में कंप्यूटर लैपटॉप में मिलता रहता है, लेकिन जब वारंटी खत्म हो जाता है तो उसकी बैटरी हो गया, उसका स्क्रीन हो गया, उसका रैम हो गया, मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने के नाम पे ज्यादा पैसा लोग ले लेते हैं। और वही डेस्कटॉप के अंदर जो है कम पैसे में आपका जो है कंप्यूटर रिपेयर हो जाता है, तो सेल्स आफ्टर सर्विस जो है डेस्कटॉप का अच्छा होता है। एक और बात करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट देखते रहते हैं कि उनको ग्राफिक्स का जरूरत पड़ता है, कोई डेवलपिंग काम करता है, कोई लैंग्वेज का पढ़ाई करता है, तो उनको जो है ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है। अगर लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ले लेते हैं तो उसके बाद अगर एक लिमिट के बाद ग्राफिक्स कार्ड का देखा जाए तो प्रॉब्लम अक्सर आता रहता है। ग्राफिक्स कार्ड हीट करता है और लैपटॉप हैंग करेगा, लैपटॉप जो बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम आता रहता है। लेकिन आप कोई डेस्कटॉप के अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं 2 GB 4 GB तो उसको बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम नहीं करता है, गर्म नहीं होता, खराब होता तो उस पार्ट को निकाल के आप फेंक सकते हैं। लेकिन लैपटॉप के साथ में ऐसा नहीं, आपको मदरबोर्ड चेंज करवाना पड़ता है दोस्तों। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पहले जान लीजिए, समझ लीजिए पर्पस क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं घर के पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, घर के बच्चों के लेता हूँ, घर की महिलाओं के लेता हूँ, तो मैं प्रिफर करूंगा डेस्कटॉप लेने के लिए। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने जा रहा है, अगर कोई बच्चा बड़ा पढ़ाई करने बाहर जाता है तो उनको आप लैपटॉप खरीद के दे सकते हैं, लेकिन घर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं रिकमेंड करूंगा आप डेस्कटॉप लीजिएगा दोस्तों।
वीडियो बनाने और बताने का मतलब सिर्फ ये मेरा था कि पिछले 17-18 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे पूरा सेल्स का नॉलेज है और मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग काम ही करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। सारे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपसे शेयर कर रहा था कि डेस्कटॉप ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा स्थिर होता है लैपटॉप मुकाबले, तो आप प्रेफर करिए डेस्कटॉप लेने के लिए। और कोई भी सवाल आपके मन में है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मुझसे पूछिएगा। पूरा मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं और आपको एक अच्छा उत्तर मिल जाए और एक अच्छा ये तो लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद सके। दोस्तों, वीडियो पसंद हमारा आया हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए जरूर हमें कि हम कैसा वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने में कंफ्यूज होंगे, तो हो सके इस वीडियो को देखने के बाद में जो वो डिसीजन ले सके उनको क्या खरीदना। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में किसी टॉपिक साथ में। तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।